close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Streams नहीं कर पाऊंगा बजाने से पहले यार मैं अपना पूरा रीजन एक वीडियो में बताना चाहता था कि मैंने गॉडेल क्यों लीव किया एंड व्हाई एवरीबॉडी शुड स्टॉप हेटिंग मी एंड माय क्लैन. यार बहुत हो गया, मतलब समझ रहे हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे अब हो रही है. आई एम गेटिंग DMs एंड कॉमेंट्स एवरी डे अबाउट आस्किंग मी कि मैंने क्लैन लीव क्यों करा, आई एम अनसब्सक्राइबिंग, यू आर अ ट्रेटर. तो चलो यार वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं कि यार ऐसा हुआ क्या कि मैंने गॉडेल लीव क्यों करा. मतलब सब कुछ सही चला था ना, नो डिस्प्यूट्स नथिंग, तो एक्चुअली मैंने लीव क्यों करा. तो यार एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ कि आप पूरा वीडियो मतलब ध्यान से देखना, कोई भी कंक्लूजन पर बिना वीडियो पूरा देखे मत आना. पूरा वीडियो देख लो एंड देन यू कैन पुट योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो. ठीक है, तो चलो यार फर्स्ट रीज़न इज़ कि मेरे को यार ये प्रोफेशन में आगे बढ़ना है. दैट मीन्स आई वॉन्ट टू परस्यू यूट्यूब एज अ करियर एंड मैं अगर किसी इंडिविजुअल के चलते आगे बढ़ता हूँ दैट वुड बी रियली बैड फॉर मी पर्सनली. आप कोई भी अच्छे यूट्यूबर को देखो, ही और शी हैज़ ग्रोन बाई शो केसिंग देयर ओन टैलेंट एंड नॉट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स. यू नो फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉन्टन को ही ले लो. ठीक है, आप क्रॉन्टन भाई को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो उनको ही देखो. भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उसने किसी की भी हेल्प नहीं ली है. तो बंदे ने उस मतलब उसके इंडिविजुअल सपोर्ट मिलता है ना, बंदे उसे इंडिविजुअल सपोर्ट करते हैं. तो यार मेरा भी वही एम्बिशन है कि मैं अपने टैलेंट से जाना जाऊँ ना तो किसी और के. मैं अगर गॉडेल में रहकर कभी मतलब कभी भी क्रॉन्टन का नाम अपने टाइटल में यूज़ नहीं करा, इवन दो आई न्यू कि मेरे चैनल सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आएंगे एंड दैट वुड रिजल्ट इनटू बूस्टिंग माय चैनल विथ माय मोर व्यूज़ एंड अल्टीमेटली मोर सब्सक्राइबर्स. बट मैंने ऐसा नहीं करा फॉर द सेम रीज़न. मैं एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर अपने टैलेंट के ऊपर बढ़ना चाहता हूँ ना तो किसी के नाम पर. तो अगर मैं बाद में लीव करता, जैसे कि अगर मैंने अभी लीव करा, अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते तब मैंने अगर तब मैं लीव करता तो सोचो अब तब क्या होता. मैंने तो अभी मतलब अभी मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स है तब मैंने लीव करा है. तो अभी आप लोग इतना एक्सट्रीम हेट दे रहे हो. अगर मैं बाद में जाकर के अगर लीव करता तो यार वो तो और ज़्यादा हो जाता ना, क्योंकि एट वन टाइम आपको करना ही पड़ता फॉर योर यूट्यूब चैनल. आप कितने दिन रहोगे समझ रहे हो, क्योंकि गॉडेल तो मेरा था नहीं, मतलब आई डेंट ओन गॉडेल, आई वॉज जस्ट अ रेगुलर प्लेयर ऑफ गॉडेल. अब समझ रहे हो इसके बाद. तो फिलहाल के लिए यार जितने भी बंदे मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्रॉन्टन या गॉडेल के चलते सपोर्ट करते थे, मुझे उन लोगों ने ऑलरेडी अनसब्सक्राइब कर लिया है. और अगर नहीं भी किया है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग अनसब्सक्राइब कर दो एंड जस्ट एंड द वीडियो राइट नाउ, क्योंकि आगे सुनने का कोई मतलब ही नहीं है. बट अगर आप थोड़ा भी मैच्योर एक्ट करोगे इस टॉपिक को लेकर के तो आपको धीरे धीरे बात समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, तो यार सेकंड चीज़ ये थी कि मेरा कोई वहाँ पर रोल नहीं था एक्सेप्ट अ कैजुअल प्लेयर एंड आई वांटेड टू बी मोर देन दैट ऑफ कोर्स, बिकॉज यूट्यूब पे आप कुछ यूनिक ही देखोगे ऑब्वियसली. ईदर ही इज़ रियली एंटरटेनिंग और रियली स्किल्ड और मे बी बोथ. तो यार मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एंटरटेन भी करता रहूँ, बिकॉज आई नो वॉट पीपल वॉन्ट. जो भी मैंने डिसीजन लिया है आप लोगों के चलते ही लिया है. अगर मैं यूट्यूब को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं टैग लग कर बैठा रहता गॉडेल का. बट आई हैव सेट अ गोल एंड आई हैव टू वर्क फॉर इट. अभी जितनी भी हेट मिल रही है मुझे आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन एंड डू बेटर इन लाइफ. एक तो चीज़ है यार कि मैं गिव अप इतनी जल्दी तो नहीं करूँगा. अभी अपने ड्रीम के लिए स्टार्ट किया है काम करना एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. अब आती है बात यार मेरे रोल का न्यू क्लान में, जो कि है NCDS eSports. तो यार मैं बता दूं कि ये पूरा क्लान का आइडिया मेरा एंड क्रिश भाई का था, जो कि ओनर है हमारे टीम के. तो मैंने और उन्होंने मिल के ये न्यू क्लान फॉर्म किया है, बिकॉज वी हैड टू इंटर कॉम्पिटिटिव सीन टू पार्टिसिपेट इन ऑल द अपकमिंग टूर्नामेंट्स. तो जैसा कि पता होगा कि गॉडेल से 2 लाइनअप हमारी निकली थी, मतलब उन्होंने लीव कर दिया था क्लान. तो मैंने इन्हें अप्रोच किया बिकॉज दैट वॉज द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली भी जानता था एंड दे वर एक्चुअली वेरी स्किल्ड. तो मैंने उनको अप्रोच किया एंड दे अग्रीड ऑफ कोर्स. तो अब हमारी टीम बन चुकी है 9 बंदों की, इंक्लूडिंग मी द कंटेंट क्रिएटर फॉर द टीम. तो यार अब आप पूछोगे कि तेरा लाइनअप कौन सा है, तो किसके साथ खेलेगा एंड ऑल दैट. तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ, सिंस आई हैड टू परस्यू यूट्यूब मैं कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा. आई एम जस्ट हियर टू प्रोवाइड एवरीथिंग दे नीड एज अ मैनेजर एंड फोकस ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स, क्योंकि आई एम गेटिंग अ न्यू डिवाइस नेक्स्ट वीक एंड आई कांट वेट टू स्ट्रीम फ्रॉम दैट इज वेल. सो आई वुडंट बी एन एमुलेटर प्लेयर being in an e-sports team, सब कुछ properly करेंगे but थोड़ा time लगेगा and I would really appreciate if all of you guys could support me together, not because of the clan I belong to but as an individual creator. तो hopefully हमारी team future tournaments निकाले and we gain a lot of supporters from there as well, क्योंकि आप लोग ही हो जिनके कारण हम जहाँ भी हैं जो भी हैं. ठीक है,
तो यार मुझे लगता है कि मैंने अपने थॉट्स तो बोल दिए इस पूरे मैटर के बारे में, इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना है नहीं। तो अब आपके ऊपर है कि आप ये ब्लाइंड सपोर्टर बनो या एक बंदा कभी पॉइंट ऑफ व्यू सोच के उसके बारे में सोचो। सो नो हेट्स टू एनीबडी यार, नॉट एनी क्लान, मैं अपना काम करूँगा इधर एंड होपफुली आप मुझे इसमें सपोर्ट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होपफुली आपको सब कुछ पता चल गया होगा। एंड इफ आई वॉज क्लियर एनफ टू पुट माई पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर आप कुछ भी कहना चाह रहे हो यार इस टॉपिक के रिलेटेड यार कॉमेंट से बता देना, आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट द पॉजिटिव कॉमेंट्स क्योंकि यार मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं यार, गुड लक जरूर बोलना। तो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। भी ब्रोकन वॉल के पीछे बैठा है, टीपीपी कर रहा है। आई एम डन, मरिए मत मरिए मत, एक ब्रोकन वॉल के पीछे है। ओबे भाई इसका तो कोई सीन ही नहीं था यार, घर पे कंपाउंड में जाते कर कॉपी यही बैठा है। रेव दे दे रेव दे दे रेव दे दे जी जी। अरे हाँ यार ब्रोकन वॉल के पीछे ही बैठा था भाई बंदा, मेरे को लगा कि घर पे होगा तो घर पे होगा, सही होगा। बहुत बड़ी ओपी ओपी भाई ओपी ओपी यार डॉग डॉग लेवल शिट।